नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 है हमारा अशोक का हृदय परिवर्तन। इसके लेखक यशपाल जी हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस उपन्यास अंश में कलिंग विजय के उन्माद से ग्रस्त सम्राट अशोक की हिंसक वृत्ति को दर्शाया गया है। बालिका द्वारा किए गए अबोध तथा मर्मस्पर्शी प्रश्न को अशोक को उद्दलित कर देते हैं, जिससे अंततः वह अहिंसक होने का संकल्प लेता है। कलिंग की महारानी अमिता की सरलता सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर देती है। अब हम पढ़ते हैं अशोक का हृदय परिवर्तन। मगध के सैनिक कलिंग के राजमहल के आंगन में पहुंचते हैं। सैनिकों के सबसे पहले दल के साथ सेनापति गोपाल अशोक ने जिसे पहले भेज दिया था अधिकार करने के लिए, वह आता है। उसको छत पर पुकार सुनाई देती है। महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही है। गोपाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह तुरंत अपने कानों में फिर वही महल की छत से कलिंग के सैनिकों की पुकारें सुनने लगता है और महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही है। अब वो क्या करता है, मगध का सेनापति गोपाल सतर्क हो जाता है। वह अपने सैनिकों के द्वार पर उसे छोड़कर और क्या करता है, उल्टे पांव मतलब राजमहल के द्वार पर लौट जाता है। गोपाल ने देखा कि अनेक सशस्त्र सामंत से घिरा सम्राट अशोक का विशाल हाथी नगर के सिंह मतलब सिंह द्वार में राजमहल की ओर प्रवेश कर रहा था। सम्राट के महल में प्रवेश करने के लिए राजमहल में हाथी को प्रसाद मतलब महल में जाने के लिए क्या करा जा रहा था, नीचे बैठाया जा रहा था। सेनापति गोपाल ने सम्राट के हाथी के सामने क्या किया, आदर से सिर झुकाया। सम्राट को प्रतीक्षा का संकेत करने के लिए दोनों हाथ उसने उठा दिए और आतंकित स्वर में कहा, सम्राट अभय दान दे, महल में भय है और सम्राट प्रतीक्षा करे। सम्राट अशोक के माथे पर बल पड़ा, उसे गुस्सा आने लगा। उसने शुद्ध स्वर में प्रश्न किया, अजय सम्राट अशोक के लिए भय है? भयभीत सेनापति सर झुकाकर संकोच से उत्तर दिया, सम्राट कलिंग की उन्मत्त मरानी सम्राट को बांधने के लिए जंजीर लेकर आ रही। वो गुस्सा आने लगता उसको। फिर वो प्रश्न करता है, क्या अभी भी कलिंग की महारानी का अहंकार बाकी है? अजय अशोक जैसे दुस्साहसी रानी के दर घमंड को क्या कर देगा, अपने पांव तले रोन देगा और उसे चूर चूर कर देगा। अमिता सैनिकों को लेकर आती है और वह अमिता सैनिकों कंचुकी अथवा हिता की गोद में भी जाना उसे स्वीकार नहीं रहता। और वह क्या करती है, जो उसका कुत्ता रहता बबरू उसको उसकी जंजीर हाथ में लेकर अपने साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आंगन में पहुंची। अब क्या होता है, सीढ़ी के सामने अलिंद में सोमनाथ और राजमाता उसकी क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और उसके लिए खड़े थे। सेनापति ने अमिता की गोद में उठाकर गुफा के मार्ग से उसे ले जाने का कोशिश की, लेकिन अमिता ने निषेध से ना करते हुए क्या करा, सिर हिला दिया और भागकर चिल्लाने लगी। अब क्या हुआ, चिल्लाने के बाद क्या करने लगी, नहीं नहीं हम दुष्ट अशोक को क्या करेंगे, जंजीरों में बांधेंगे। किसकी तरह, बबरू की तरह। बबरू कौन है, अमिता का कुत्ता, उसकी तरह बांधेंगे हम उसे, बांधेंगे ऐसा कहने लगी। अब वो क्या करती, महल के द्वार पर मगध के नरसिंह और भैरी और बजने लगे और स्वर बजने लगे। उसके साथ ही मगध के सैनिकों का जय घोष सुनाई दिया। फिर क्या होता है, महारानी जो रहती है बालिका के अतिरिक्त सभी लोग क्या हो गए थे, डर गए थे। कलिंग की और मगध से बचे हुए युद्ध सैनिकों के सशस्त्र उठाए और हाथ रुक गए। अमिता हाथ में कुत्ते की जंजीर ले अंतःपुर के मतलब महल की ओर बाहर आंगन के द्वार की ओर दौड़ी जा रही थी। उसके पीछे लोहे की जंजीर से तो नहीं बंधा था,
लेकिन स्नेह की जंजीर से बंधा हुआ कुत्ता उसका बबरू स्वामिनी के पीछे पीछे उसकी रक्षा के लिए दौड़ता हुआ और सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। हजारों खड़गों की भी चिंता उसे नहीं थी और वह चले जा रहे थे। अब आतंक की स्तब्धता और पत्थर के आंगन पर बहुत से पेड़ों की आहट क्या हो रही थी, बालिका के कोमल कंठ की ऊंची पुकार सुनाई दे रही थी। और फिर कहती, तुम सुनो, तुम कौन हो? अमिता के प्रश्न की पुकार से सर्वनाश का आह्वान समझकर कलिनी के महल के लोगों को सांसें भय के कारण रोक ली थी उन लोगों ने, वो डर गए थे। अशोक पुकार सुनकर विस्मय से चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। उसने अपनी कमर से नीचे छोटी बालिका की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। अमिता विजयी सम्राट को देखकर तीव्र दृष्टि से भयभीत नहीं हुई। उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे वस्त्र भी बहुत सुंदर है, तुम्हारा खड़ग बहुत सुंदर है, तुम हमारे साथ आओ, हम चंड अशोक को बांधने जा रहे हैं। अमिता ने अपने हाथ से थमी हुई कुत्ते की जंजीर अशोक को दिखाई। अमिता की बात सुनकर उसके पीछे आते लोगों के नेत्र डर से झपक कर और हृदय मुंह में आ गए। अशोक निश्चल होकर मौन अमिता की ओर देखता रहा। अशोक की स्तब्धता मुद्रा की अपेक्षा अवज्ञा समझकर अमिता खिन्नता से बोली, तुम हमारा आदेश नहीं मानोगे? हमारा आदेश सबको मानना चाहिए। हम कलिंग की राजेश्वरी हैं, हम प्रजा की माता हैं। तुम हमारे साथ आओ, हम अशोक को बांधकर लाए। अशोक विस्मित होकर वहीं खड़ा रहा और वहां स्वर कुछ सुनाई दे रहे थे लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो कहता है, तुम कलिंग की महारानी हो? अमिता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हम कलिंग की महारानी हैं, तुम हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधने जा रहे हैं। अशोक प्रजा से छीनता है, प्रजा को मारता है, ऐसा वह कहने लगी। मतलब विजय सम्राट दो पल के लिए खड़ा रहा। उसकी निश्चलता देख अमिता ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? अशोक फिर मंत्रमुग्ध खड़ा रहा, फिर कहता है, सम्राट अशोक। अब क्या था, अमिता के नेत्र बाल विस्मय से फैल गए, आश्चर्यचकित हो गई हो। वह बोली, तुम अशोक हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम प्रजा से क्यों छीनते हो? तुम प्रजा को क्यों डराते हो? तुम प्रजा को क्यों मारते हो? तुम्हें क्या चाहिए? अशोक निश्चल रहा और वह निरुत्तर रहा। अमिता अशोक की ओर एकदम बढ़ गई और आग्रह के स्वर में बोली, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुम्हें देंगे। अमिता एक कदम और आगे बढ़ी, उसने अशोक का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ ही ले चली। दुर्दान सम्राट अमिता के साथ रस्सी में बंधे पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगा। जो मगध का जो उसे घमंड था, उस सामंत भी उसके पीछे पीछे समूह के रूप में उसके पीछे पीछे जाने लगे। कलिंग के महल की ओर गए। बालिका के प्रति भय और चिंता में आतुर खींचे चले जा रहे थे। अमिता सम्राट को सूने राजभवन में ले गई। राजभवन के सिंहासन के चारों ओर कई पुतलियां पड़ी थी, पुतलियां अर्थात उसकी गुड़ियाएं पड़ी थी। दीवारों के साथ भी कई प्रकार के खिलौने, मुरझाए हुए फूल और बर्तनों में मिष्ठान रखे हुए थे। अमिता अपनी बाहें फैलाकर चारों ओर उसे संकेत करने लगी। अशोक से बोली, तुम्हें क्या चाहिए? फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए, खिलौने चाहिए, जो चाहिए बस यहाँ से सब कुछ ले लो, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मगध का सम्राट अमिता के सामने मुग्ध की भांति विवश प्रति मौन खड़ा था। अशोक ने संपूर्ण पृथ्वी की विजय की प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसने एक बालिका के प्रश्न से परास्त होकर अपनी विजय यात्रा अपूर्ण छोड़ देने के लिए ही दो बार सैन्य दल लेकर कलिंग पर चढ़ाई
नहीं। सम्राट ने अपने सम्मोहन करने के लिए अपना मस्तक हिला दिया। उसने पलक झपककर सोचा और राज सिंहासन की ओर संकेत कर दिया, हमें कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। अशोक की इच्छा सुनकर कलिंग की बालिका महारानी पल भर के लिए सोच में पड़ गई और अस्वीकृति से सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, राजसिंहासन तुम ले जाओगे तो हम पुतली का राजतिलक कैसे करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद अमिता कहती है, आधे पल के बाद चिंता में मौन, और फिर से बोलती, अच्छा तुम मांगते हो तो ले जाओ, क्या तुम्हारे पास राजसिंहासन नहीं है? अच्छा तुम ले जाओ, हम दूसरा ले लें। सम्राट के पीछे खड़े मगध के सामंतों और कलिंग के महल के लोगों के चेहरे पर से कठोरता और आतंक दूर हो करुणा और कोमलता का भाव आ गया था। मगध का सम्राट निश्चल निर्वाक था। सोने मड़े लोहे के कवच से आवृत उसका पत्थर हृदय, जो 1,00,000 से अधिक सैनिकों के रक्त से न भीग सका था, छलछला गया। सम्राट ने अपने हाथ में थमा खड़ग जमीन पर फेंक दिया। उसने झुककर अमिता को गोद में उठा लिया और बोला, कलिंग की महारानी, मगध का विजयी सम्राट हार गया, तुमने विजय पाई। तुम दुष्ट अशोक को बांधना चाहती थी। अशोक ने अमिता के हाथ में लटकते हुए कुत्ते की जंजीर अपने गले में डाल ली और बोला, कलिंग की महारानी, सम्राट अशोक बंध गया और तुम्हारा बंदी है। अशोक ने जो मांगा तुमने दिया, अब तुम अशोक से मांगो। कलिंग की महारानी, अशोक को आदेश दे, क्या चाहती है? अमिता ने खुश होकर उत्तर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। अशोक पल भर सोचकर बोला, महारानी सत्य कहती है, परंतु महारानी आदेश दे, महारानी अपने बंदी अशोक को आदेश दे। अमिता ने खुश होकर उत्तर दिया, हमारा आदेश है कि किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। बबरू जो कुछ रहता है वह अपनी स्वामिनी को अपरिचित व्यक्ति की गोद में देखकर व्याकुल हो उठता है और उसकी ओर मुख उठाए पूंछ हिलाता कुकू कर रहा था। अमिता ने बबरू की ओर देखकर सम्राट से कहा, यदि तुम फिर से किसी से छीनोगे, किसी को डराओगे, किसी को मारोगे तो हम तुम्हें इसकी भांति बांधकर रखेंगे। अशोक ने स्वीकार किया। सम्राट अशोक प्रतिज्ञा करता है, वह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं। अब अशोक हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदय को विजय करेगा। धन्यवाद।